नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपके लिए मदरबोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। ये देखिए, ये मदरबोर्ड जो है इनके साथ में कुछ भी नहीं आता है, ओनली रिमोट आता है और मदरबोर्ड आता है। तो कई बार परेशान होते हैं व्यूअर्स, परेशान होते हैं कैसे काम करना है। तो देखिए, एक कीपैड अलग से नहीं आता है, कभी कभी बनाना पड़ता है, क्योंकि पुराने सेट में से जो निकलता है उसमें लगाना पड़ता है, इसलिए उसी के कीपैड का उपयोग किया जाता है, पुराने का ही, नया तो मिलता ही नहीं मार्केट में। तो ये कीपैड जो है, ये जो है अपना मदरबोर्ड, इसमें ये देखिए ये 14 पिन दी हुई है, यहाँ से ये 14 पिन कीपैड के लिए। यहाँ पर सबसे पहली जो देखिए, इसमें 5 वोल्ट दिया है, फिर यहाँ पर रेड एलईडी के लिए है, फिर ग्रीन एलईडी के लिए है, फिर आईआर, उसके बाद ग्राउंड है, फिर के जीरो है, फिर के वन, के टू, के थ्री, के फोर, के फाइव, के सिक्स, के सेवन और यहाँ पर ग्राउंड। ठीक है, ये 14 पिन। अब इसकी ये पिन है और इसकी ये कॉम्बो बोर्ड, दूसरे कॉम्बो बोर्ड की पिन एक ही समान है, अंतर होगा तो एक ही अंतर हो सकता है। यहाँ काउंटिंग की जाती है, जो यहाँ पर एक नंबर पिन है तो कभी कभी यहाँ पे एक नंबर पिन दी होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जैसे देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ये इसकी एक नंबर पिन ये यहाँ से दी है, ये उल्टी तरफ से दिया है। यहाँ पर ग्राउंड दिया है पहले, फिर के सेवन दिया है, इस साइड से दिया गया है, यानी उल्टा दिया है, परंतु काउंटिंग अलग हो सकती है, कनेक्शन एक ही है। ये स्मार्ट बोर्ड है जैसे, तो इसके भी सेम कनेक्शन है, कोई अंतर नहीं, ना इसमें अंतर है, ना इसमें अंतर है, ना इसमें अंतर है। ये तीनों बोर्डों में जो भी है, कॉम्बो बोर्ड आजकल जो आ रहे हैं, उनके कॉमन ही कनेक्शन होते हैं, एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं रहता है। तो इसमें कनेक्शन गलत ना हो, इसके लिए मैं आपको कनेक्शन बना के दिखा सकता हूँ कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। देखिए जैसे कि ये कंप्लीट बना हुआ है, इसमें ये पावर हो गया, चैनल के हो गया, और ये वॉल्यूम के हो गया, मेन्यू हो गया, और इनपुट सभी में यही होता है, सोर्स भी होता है उसमें, पावर भी होता है, ये सभी होते हैं। और यहाँ पे आईआर के लिए और एलईडी के लिए, ये तीनों है जैसे ये बोर्ड है, इन सब में एक ही समान है। और भी कई प्रकार के बोर्ड आ रहे हैं, जैसे कि ये बोर्ड, ये सभी जो बोर्ड है यहाँ पर, ये जो बोर्ड है 53 का है, ये भी बोर्ड 53 का है, एक 83 का भी आता है, उसमें भी यही कनेक्शन है, और एक ये जो स्मार्ट है उसके भी यही कनेक्शन है। तो आइए आपको मैं इसी कनेक्शन के बारे में बताऊँगा, उसके बाद ये स्मार्ट बोर्ड के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये भी मेरे पास जो आया है सिर्फ स्मार्ट बोर्ड और ये जो है रिमोट इसके साथ में आया है, इसका एक ये एंटीना है, ये एंटीना आया है साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको कीपैड के कनेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं आपको कीपैड के बारे में जानकारी दूंगा, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। हाँ देखिए गाइस, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं हम, अबाउट की पैट डाटा आप सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। ये जो है चाइनीज के यूनिवर्सल कॉम्बो बोर्ड जो है आईआर एंड कीपैड कनेक्शंस के बारे में जानकारी देंगे, इसमें नॉन स्मार्ट और स्मार्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो दिया हुआ है, ये जो नॉन स्मार्ट है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिया है नॉन स्मार्ट में क्या क्या कैसे कनेक्शन होते हैं। सबसे पहले एक तो ग्राउंड होता है, फिर एनसी कनेक्शन होता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का पावर है, और चौथे नंबर का जो आता है ये वायर जो होता है ये मेनू के लिए होता है, और पांचवें नंबर का वॉल्यूम माइनस के लिए, और छठवें का ये वॉल्यूम प्लस के लिए, और सेवन जो है ये चैनल के लिए, चैनल माइनस, और एट जो है चैनल प्लस के लिए है, नाइन इनपुट या सोर्स जिसको बोलते हैं उस पर जाएगा, और ये 10 नंबर ग्राउंड है, और उसके बाद ये आईआर सेंसर के लिए जो है ये उसके लिए कनेक्शन 11 नंबर पिन जो आईआर के लिए है, और 12 जो है ये जो अपना ग्रीन एलईडी जो लगी रहती है 3 पिन की उसके लिए है, और ये जो 13 नंबर पिन जो है रेड
एलईडी के लिए है, और पांचवा ये जो चौदहवा जो है ये 5 वोल्ट आईआर के लिए सप्लाई है। तो ये इसकी कनेक्शन है, और ये सेम कनेक्शन आपके स्मार्ट बोर्ड पर भी जाते हैं। एंड्रॉइड जो स्मार्ट बोर्ड होता है उस पर भी यही कनेक्शन होते हैं, सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसका नाम जो है SP3681.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